नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देवरिया के महुआडीह थाना क्षेत्र में खेती की जमीन और पोखरे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप पीड़ित ने लगाया है। पीड़ित ने उक्त इस मामले में जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच अफसरों से शिकायत की है। आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पत्नी और क्लब की महिलाओं के साथ डांस करते दिख रहे हैं। दरअसल हरियाली तीज पर स्पर्श क्लब द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री जमकर थिरके। गोरखपुर के जगह पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सरगना को उसके साथी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जो फर्जी फोन पर ओएसडी मंत्री डीजीपी पीए किन्नर समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर काम कराने के बहाने लोगों से पैसे की वसूली करता था। ये फर्जी किन्नर को विभिन्न मोबाइल नंबरों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में आज भी कई फर्जी प्राइवेट अस्पतालों का मकरा जाल फैला हुआ है, जहां बगैर किसी पंजीकरण और बिना डॉक्टर के मरीज का इलाज किया जा रहा है। ताजा मामला कैंपियरगंज के एक प्राइवेट अस्पताल का है, जो 2019 के बाद से रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, जहां बीते दिनों एक माँ और उसके नवजात शिशु की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। जब हंगामा हुआ तो इसकी शिकायत पुलिस में की गई। बलरामपुर जिले में बीजेपी के विधायक के भतीजे और उनके प्रतिनिधि द्वारा कानून व्यवस्था को तार तार करने का मामला सामने आया है। मामला जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां बीजेपी विधायक के भतीजे और उसके साथियों का एक युवक को पिटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पानी भरने गए, वहां कुछ दुकान पे खड़े थे, वो गाली गुप्ता देने लगे। हम भी नशे में थे, गाली वाली हम भी दे दिए। इतने में उनके लेबर मारने लगे, फिर विधायक जी को उनके लड़के भतीजे आए, वो भी मार रहे थे, पुलिस के सामने भी मार रहे थे, थाने में आके उन लोगों में फिर मारा विधायक के लड़के लोग। फर्रुखाबाद में जिला अधिकारी की नई पहल देखने को मिली, जहां बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाव एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव होने से सड़कों के कटने से आवागमन बंद हो गया था। बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू की गई नाव एम्बुलेंस गांव गांव जाकर इलाज करेगी, जिससे मरीजों को गांव में ही उपचार मिलेगा। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र के गांव मढ़िया भीखपुर एमा में तेंदुए ने दस्तक दी हुई है। बकरी, कुत्ता, नील गाय का शिकार कर चुके तेंदुए से ग्रामीणों में भय की स्थिति है। मढ़िया सहित इर्द गिर्द के गाँवों में दहशत का माहौल कायम है। चारों तरफ गाँव के लोग डरे और सहमे हुए हैं। ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई है। हरदोई जिले में लगातार हो रही तीन दिनों से बरसात के चलते जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई गांव में जल जमाव हो गया है। पानी भरने से कई फसलें प्रभावित हुई हैं और ग्रामीणों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महोबा में गड्ढा युक्त सड़क पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दबकर चालक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। किसान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने घटना का निरीक्षण किया है और मृतक किसान के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जगह जगह जलभराव हो रहा है, जिससे स्मार्ट सिटी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव के साथ साथ गंदगी का अंबार भी नजर आ रहा है। वहीं सड़कों पर आवारा पशु भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।